हैदराबाद में हुई महिला डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ सामूहिक बलात्कार और मर्डर के बाद देश की जनता में जिस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा था, वहीं जगह जगह पर प्रियंका रेड्डी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे, तो आज तेलंगाना पुलिस ने उन चारों आरोपियों को उसी जगह ले जाकर इनकाउंटर कर दिया। वहीं इस न्याय से गाजियाबाद की महिलाएं खुश थी। वहीं गाजियाबाद से कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों ने लड्डू खिलाकर अपनी खुशी को जाहिर किया। क्या कहेंगे मैम तेलंगाना पुलिस के लिए, जिन्होंने इतना साहसपूर्ण कार्य किया है, एक सामूहिक बलात्कार और मर्डर से पीड़ित महिला को न्याय दिया है। हम उसको बार बार सल्यूट करेंगे। सबसे पहली बात तो बहुत जल्दी एक्शन लिया तेलंगाना पुलिस ने, और इस तरीके का एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इतने बलात्कारियों के लिए ये सबसे पहली बात है कि इस तरीके का एक्शन उनको पुलिस को लेना ही चाहिए, और ये उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। पहली बार हमें खुशी हुई है बहुत ज़्यादा कि बहुत जल्दी उनको सज़ा मिली। मैम आपका? किरण सिंह। किरण जी, जैसा कि हैदराबाद में हुए मर्डर और सामूहिक बलात्कार के बाद आज तेलंगाना पुलिस ने आरोपियों को सज़ा दी है, एनकाउंटर में मार गिराया है, कितने खुश हैं आप इस सरकार की इस नीति से? हम बहुत खुश हैं। जो हैदराबाद की गवर्नमेंट ने किया, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, और बहुत जल्दी ही उसने डिसीजन दिया। ऐसे ही हर स्टेट को डिसीजन लेना चाहिए इसके ऊपर। जा रहे किस खुशी में आज गाजियाबाद में, तो कोई त्यौहार नहीं। हैदराबाद पुलिस ने जो उन चार नर्स पिशाचों को रात मार गिराया है भागते हुए, उस खुशी में पूरे देश में आज खुशी का माहौल है। और उसी में हम हैदराबाद पुलिस को बधाई देने के लिए हम यहाँ पर लड्डू बांट रहे हैं कि ऐसे जो नरपिशाच थे उन लोगों को उन्होंने सही सजा दी और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया। हैदराबाद पुलिस ने जो अंजाम दिया है उन चारों आरोपियों को, देश में बाकी पुलिस के लिए क्या संदेश देंगे? मिठाई तो आ देखिए, बाकी पुलिस के लिए हम संदेश देना चाहते हैं कि जो अपराधी जिस तरह की घटना करता हो, उस अपराधी को उसी घटना के तहत सजा मिलनी चाहिए। आज हमारे देश में अगर बहन बेटियों को इज्जत लूटने का प्रयास करता है, और हैदराबाद पुलिस ने जो पहल की है वो सराहनीय है। हम गिनीज बुक में उनको जो है दर्ज करने का भी अनुरोध करते हैं, और 51,000 रुपये घोषणा हम करते हैं उनको देने के लिए। 51,000 रुपये नकद दिए जाएंगे हैदराबाद पुलिस को।